दोस्तों, मानसून में घूमना किसे पसंद नहीं है, लेकिन घूमने का असली मजा तभी है जब हल्की हल्की बरसात हो रही हो और आप एक लॉन्ग ड्राइव पे निकले। तो यही सब सोचते हुए हमने भी ट्रिप प्लान किया है पंचगनी का। और मानसून लगभग ख़त्म हो चुका है, हल्की हल्की बरसात होती रहती है और ये बहुत ही परफेक्ट वक्त है ऐसी डेस्टिनेशन को विजिट करने का जो कि एक हिल स्टेशन है पुणे के पास में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट अशित और आप देख रहे हैं आयश ट्रैवलर। दोस्तों, पुणे से पंचगनी का जो रास्ता है वो लगभग 100 किलोमीटर का है। इसमें से 80-85% का जो रास्ता है वो नॉर्मल रोड्स और हाईवेज ही हैं, बट जो लास्ट का 15-20% का रास्ता है वो घाट एरिया का है। तो बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं। आप में से अगर कोई रैश ड्राइविंग का शौकीन है तो उन लोगों के लिए सलाह है कि ऐसे रास्तों पे ज़रा गाड़ी ध्यान से ही चलाए, क्योंकि बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं। तो यार, हम लोग सुबह 7 बजे के निकले हैं, खाया भी नहीं है कुछ, सुबह से भूख भी लग रही है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम एक जगह रुक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए हमने चूज़ किया है मैप्रो गार्डन को। मैप्रो जो है काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है महाबलेश्वर पंचगनी में और काफ़ी फेमस है, वहाँ पे काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट और स्नैक्स के लिए जाते हैं। बट हमने जो डिसाइड किया है, मैप्रो का नया एक रेस्टोरेंट खुला है पंचगनी में ही, पंचगनी के पहले, तो हम वहाँ पे रुक के ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। एक तो ये भी पता लग जाएगा कि ये जो मैप्रो का नया रेस्टोरेंट है ये किस तरह का है। सुनने में आया है कि अच्छा है और वहाँ पे पार्किंग स्पेस भी काफ़ी अवेलेबल है, वो भी एक दिमाग में रखते हुए मैंने वही लोकेशन सेलेक्ट किया है। तो जी, ये पहुँच गए हैं हम मैप्रो गार्डन्स, मैप्रो रेस्टोरेंट। काफ़ी बढ़िया वाइब आ रही है यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, एकदम फ्रेश एनवायरनमेंट है। और यहाँ से तो फिलहाल एंट्री ले रहे हैं हम, आगे जाके पार्किंग है आई थिंक, क्योंकि काफ़ी ही अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि कवर वगैरह करके रखा है पार्किंग को। तो आगे जाके हम गाड़ी लगा लेते हैं। तो जी, गाड़ी पार्क कर दी है हमने और बहुत ही बढ़िया पार्किंग यार। बाहर से तो अभी ये जगह बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत फूल वगैरह खिलखिला रहे हैं यहाँ पे। और एक छोटा सा इन्होंने एक पॉन्ड टाइप का बनाया हुआ है जो कि अच्छा लग रहा है दिखने में। सो गाइज, ये है मैप्रो गार्डन, मैप्रो रेस्टोरेंट। आपसे गार्डन बोलिए, रेस्टोरेंट बोलिए, दोनों ही चीज़ें एकदम परफेक्ट बैठेंगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है ये ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये देखिए जी, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा। और ये तिरंगे की शान में एक लाइक तो बनता है भाई। और ये कुछ प्रॉप्स है फोटो खिंचाने के लिए। तो चलिए जी, रेस्टोरेंट में बैठ लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो जी, ये है यहाँ का अराउंड व्यू। काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब मेक्स यू फील कनेक्टेड टू नेचर टाइप की यहाँ पे एक वाइब आती है। एंड बहुत अच्छा है, अंदर भी बैठने की जगह है और काफ़ी नीट एंड क्लीन दिख रहा है, वो एक मेन बात है। और देखिए जी, ये है इनका किचन, यहाँ पे ये लोग अपना ब्रेड खुद ही बेक करते हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों, ये आ गए हमारे हॉट चॉकलेट्स, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस। और जी, ये है मेरा माल, मेरा हॉट चॉकलेट मैंने मंगाया था, ग्रिल्ड सैंडविचेस मंगाए थे। पिज्जा हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है, दिस इज द लास्ट साइज, तो समझ ही सकते हो पिज्जा कितना अच्छा होगा। और दोस्तों, ये आ गया है स्ट्रॉबेरी क्रीम, जो कि देखने में ही बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तो जी, ये यहाँ पे इन्होंने बना के रखा है एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल, जो कि इस वेदर में और भी एक्साइटिंग दिख रहा है। चलिए, इधर इन लोगों के फोटो सेशन शुरू हो गए हैं। और जी, अब हम एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन ये मॉल के थ्रू हमें एग्जिट करना है। हाँ भाई, वाह, बहुत ही इनॉर्मस एक जगह दिख रही है ये, जहाँ पे चारों तरफ कैंडीज ही कैंडीज है और ये जूस की बॉटलें भरी हुई है। ये इनका काउंटर है यहाँ पे, टेस्टिंग के लिए काउंटर रखा हुआ है, 3 आइटम्स इन्होंने रखे हुए यहाँ पे।
हमारी जो मिसेज है वो तो टेस्टिंग कर रही है, कुछ अच्छा लगेगा इस प्रोडक्ट में तो ज़रूर हम यहाँ से ख़रीद के ले जाएंगे। चले जी, गेटिंग रेडी फॉर एक और फोटो सेशन। एक होता है जाने के टाइम फोटो सेशन और एक होता है आने के टाइम फोटो सेशन। आने वाला फोटो सेशन तो हो चुका है, अब ये जाने से पहले का फोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये भी तो चले जी, हम लोग निकल पड़े हैं अब हमारे होटल के लिए, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 40 मिनट एक घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा है। सो गाइस, हम लोग होटल पहुंच गए हैं और ये देखिए, ये यहाँ का व्यू है, सामने ही लेक है, काफ़ी ही बेहतरीन बढ़िया व्यू दिख रहा है और मौसम भी बहुत ही एकदम सुहावना सा हो रखा है। वेदर भी बहुत अच्छा हुआ है, आप देख सकते होंगे कि आधी पहाड़ी जो है उस पर धूप गिर रही है और बहुत सी जो नीचे नीचे की पहाड़ी है या नीचे का जो एरिया है, प्लेन एरिया है, उसमें आपको छांव दिख रही रहेगी। सो दिस इज़ बिकॉज यहाँ पे अभी क्लाउडी वेदर हो गया है, थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई है, बट वेदर बहुत ही मस्त हो गया है। ये स्वीट का व्यू है, ब्यूटीफुल लग रहा है बहुत। और ये है होटल का कॉमन एरिया, साथ में एक प्ले एरिया भी है और एक छोटा सा गार्डन भी है, तो फूल वगैरह भी बहुत अच्छे से सजाए हुए हैं। यार होटल का जो व्यू है वो तो अच्छा है, पार्किंग वगैरह से मैं डिसअपॉइंटेड था, बट फिर जो व्यू है, जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, वो अभी अच्छा लग रहा है। सो देखते हैं, अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। रोटी आ गई है, खाना आ रहा है, पनीर बटर मसाला, ये पनीर लबाब मेरी खातिर हो रही है 4 घंटे ड्राइव करने के बाद। बूंदी रायता। तो यार खाना भी ठीक ठाक था, एवरेज से थोड़ा बेटर था, बट यहाँ पे बहुत ही ज़ोरदार एक बारिश हो गई है स्टार्ट, तो थोड़ा देर रुक के ही अब हम अपने रूम में जाएंगे। सो दोस्तों, अभी हम निकल पड़े हैं थोड़ा सैर सपाटे के लिए और देखते हैं शाम की कॉफ़ी चाय वगैरह जो भी पीनी है वो पी लेंगे, बट यहाँ से इस तंग गली से पहले एकदम ठीक ठाक से गाड़ी निकल जाए तो शुक्र मना लेंगे थोड़ा। चले जी, लगभग रोड तो दिखी गई है तो जान में जान आ जाती है जब यहाँ से इस तरह से हम निकलते हैं और मेन रोड को टच करते हैं। तो चलिए फिर, हमारा नेक्स्ट स्टॉप है पारसी पॉइंट और उसके बाद चाय वगैरह पी लेंगे। तो जी, हम पहुंच गए हैं पारसी पॉइंट और यहाँ पे गरम गरम भुट्टे बुने जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है खाने का, लेकिन अभी फिलहाल हम अंदर चल रहे हैं। ये पारसी पॉइंट जो है, इसका नाम पारसी पॉइंट इसीलिए पड़ा है क्योंकि कहा जाता है कि मेनली ये जो पॉइंट है, जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है, सुना है, यहाँ पे पारसी लोग जो है, पारसी कम्युनिटी है, उन लोगों के लिए ये एक ख़ास जगह थी, ख़ास प्लेस थी, जहाँ पे वो लोग आए जाया करते थे या यहाँ पे आसपास रहते थे। बिकॉज ऑफ दैट ओनली इसका नाम पारसी पॉइंट पड़ा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वी डोंट नो, क्योंकि कोई ऐसा रिसर्च वगैरह तो मैंने किया नहीं है, ये सुनी सुनाई बात है जो मैं बताया जा रहा हूँ। यहाँ पे चारों तरफ ही मतलब इस जगह से यूँ मान लीजिए कि ये लेक व्यू बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है और लेक्स को जो ये हिल्स सराउंड कर रहे हैं काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पे मुझे सीढ़ियाँ दिख रही है जाने के लिए, तो चलिए सीढ़ियों से हम नीचे जा रहे हैं, पर ये सीढ़ियाँ भी थोड़ी सी रिस्की हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है अभी 10-15 मिनट पहले ही, बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी, ज़्यादा देर तक नहीं हुई, बट आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़ोर की बारिश हुई होगी। काफ़ी ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है,
बहुत ही ब्रीजी सा एक क्लाइमेट है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस पॉइंट पे अभी खड़े रह के। बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है, मतलब ये जो ब्रीज है, ये जो हवा चल रही है, यूजुअली इस तरह की हवा का हम सिर्फ सपना ही देख सकते हैं शहरों में, क्योंकि इसी तरह की जो ब्रीज है, जो एक वो फ्रेशनेस ही लाती है अपने साथ, ऐसी टाइप की ब्रीज यहाँ पे चल रही है। शहरों में तो बस हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं कि ऐसी हवा हमें सांस लेने को मिल जाए। चले जी, हम लोग निकल पड़े हैं अब चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए शाम का। और वैसे तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, बट लेट्स सी। तो दोस्तों, पारसी पॉइंट से तो हम निकल गए और वहाँ से फिर हम आए हैं यहाँ। इस जगह का नाम है कैफे कोकानो और यहाँ पे हम चाय वगैरह पीने आए हैं। सो लेट्स सी कैसा माहौल रहता है। तो महाशय, ये आ गई है हमारी चाय, जिंजर लेमन टी, और वहाँ पे सिनेमन टी हमने मंगाया था और उसके साथ हनी भी मिला है, बहुत बढ़िया। चले थोड़ा सा आपको इस प्लेस का एक अराउंड व्यू दे देता हूँ। बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। इनके यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स रखे हुए, बेक्ड ओवन भी रखा है वहाँ पे। एक अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी मज़ा आया। हमने पूरा इवनिंग अपना जो है एक घंटा तो यहाँ पे आराम से स्पेंड किया। ये देखिए जी, ये मैंने सोचा आपको ओवन जो है यहाँ का वो ज़रा पास से दिखा दूँ। और काफ़ी यूनिक टाइप का है, मतलब मैंने कभी ऐसा पहले देखा नहीं है, तो मुझे तो बहुत ही यूनिक लग रहा है। सो गाइस, इट इज़ डिनर टाइम और हम आए हैं द फर्न, जो कि एकदम ही अपोजिट है जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। तो सोचा यहाँ पे आके थोड़ा डिनर का मज़ा लिया जाए। यार बहुत ही एक बढ़िया व्यू है इस होटल का। एंट्रेंस पे भी काफ़ी मतलब चमक धमक है और बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है जैसे ही हमने एंटर किया। दिन भर के थके थे बट वो थकान एकदम ही दूर हो गई। सो एम्बियंस वाइज तो बहुत ही एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा ऐसा लग रहा है मुझे, बट लेट्स सी कि खाना वगैरह भी कैसा रहता है। एंड होपफुली आई होप कि खाना भी जो है वो अच्छा ही रहेगा। तो जी, ये देखिए आ गया है हमारा टोमेटो सूप और ये मैडम तो गबड़ गबड़ खाए जा रही है। कैसा है? ये है हॉट एंड सॉर सूप और ये आज जी फिश फ्राई, उसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री पोटैटो चिप्स भी दिए हुए हैं, फिंगर फ्राइज। अभी ये आया है मलाई पनीर और पास्ता, और अभी पनीर टिक्का भी आ रहा है। लो जी, ये आ गया पनीर टिक्का। तो फाइनली जी, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हमारा खाना आ गया है। नान मंगाया था, लच्छा पराठा मंगाया था और ये वेज कढ़ाई भी मंगाई है, दाल है, राइस है। तो होटल तो बहुत बड़ा है पर इस तरह का स्लो सर्विस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये लीजिए जी, मैंने सोचा लच्छा पराठा थोड़ा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, वी आर इन द नेक्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। और यार रात को बहुत जम के बारिश हुई है, आप देख सकते हैं कि कितना क्लाउडी एक कवर बना हुआ है इस पूरे एरिया में। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही जम के बारिश हुई है रात भर। अभी भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश बीच में पड़ रही है, बीच में रुक रही है, लेकिन अभी हमारे निकलने का टाइम है। तो मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि बारिश थम जाए सो दैट हमें ड्राइव करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यार बारिश रुक गई है, हल्की सी धूप भी निकली है और ये है इस रोड के नज़ारे, जो कि बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर। बाय द वे, हम लोग अपने घरों के लिए अभी निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ से एग्जिट करने से पहले, पंचगनी छोड़ने से पहले, यहाँ पे एक और टूरिस्ट पॉइंट है जिसका नाम है टेबल लैंड। वहाँ हम विजिट करेंगे और वहां का एक बार आपको व्यू दिखाएंगे कि किस तरह का है। तो जी, ये पहुंच गए हैं हम टेबल लैंड पे और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल
जिसे बोल सकते हैं कि मेसमराइजिंग टाइप का व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अमेजिंग। और खास करके बारिश हुई है तो ये तो और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा सुंदर दृश्य देखने को मिल रहे हैं। यार बहुत हवा चल रही है, बहुत जोर जोर की हवा चल रही है। वह पीछे का व्यू, बारिश भी आने वाली है। यार हवा तो इस तरह की तेज चल रही है कि अगर जरा सा और स्पीड से चलने लगे तो इंसान परिंदा बन के उड़ जाएगा, और फिर उड़ने के बाद वो कहाँ लैंड करेगा उस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उड़ तो पक्का जाएगा। बहुत तेज हवा चल रही है और आप देख सकते हैं कि ये जो बादल हैं इतने खूबसूरत लग रहे हैं, और उनका हमें मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, और वो फील हो रहा है कि इतनी तेज हवा है और उसकी वजह से जो बादल है वो भी मूव हो रहे हैं। ब्रिलियंट, अमेजिंग। दोस्तों फाइनली अब हम अपने घरों को लौट रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और आप भी प्लान बनाइए ट्रिप करने का इस जगह को। बहुत ही खूबसूरत जगह है, पंचगनी महाराष्ट्र में है। मेरे हिसाब से इस जगह के लिए वन डे वन नाइट का ट्रिप बहुत ही बढ़िया रहेगा, और जी बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुखी रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।